तथ्य बुंदेलखंड की धरती से एक बड़ा संदेश पीएम मोदी ने दिया है और बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। 2023 की तैयारी, लेकिन इशारों ही इशारों में 24 का भी दावा करके प्रधानमंत्री गए हैं। संत रविदास दोबारा आने का मौका जरूर देंगे। आज भूमि पूजन किया है, कल लोकार्पण के लिए भी आऊंगा। तो बुंदेलखंड की धरती से एक बड़ा संदेश, एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। सागर के बर्तुमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला पीएम मोदी ने रख दी। इसी के साथ मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक भव्य मंदिर तैयार होगा। लेकिन आपको ये बड़ी बात बता दें, इंतजार किया जा रहा था कि बुंदेलखंड की धरती से आज पीएम मोदी क्या बड़ा संदेश देंगे, तो 23 के साथ साथ 24 की जीत का दावा भी इस मंच से तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने किया है। और उन्होंने ये कहा है कि संत रविदास दोबारा आने का मौका जरूर देंगे। आज भूमि पूजन किया है, लेकिन कल लोकार्पण के लिए भी आऊंगा। तो 2024 में जीत का दावा एक बार फिर से किया, ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी आस्थाओं पर हमले हो रहे थे, हमारी पहचान मिटाने के लिए पाबंदियां लगाई जा रही थी, इसी शब्दों के साथ संत रविदास जी के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें बताई। लेकिन एक बड़ा संदेश, 23 के साथ साथ 24 की जीत का दावा पीएम मोदी ने किया है। न्यूज एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, इंतजार किया जा रहा था कि बुंदेलखंड की धरती से आखिर कौन सा बड़ा संदेश आज पीएम मोदी देंगे, लेकिन 23 की तैयारी के साथ साथ 2024 की जीत का दावा भी इशारों इशारों में उन्होंने कर दिया है। अब बिल्कुल जया, आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से न कहते हुए उन्होंने ये कहा कि संत रविदास जी मुझे जरूर मौका देंगे कि जब चंद महीनों के बाद या एक डेढ़ साल में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण होगा, और जाहिर है तब 2024 का वो दौर होगा जब नई सरकार का गठन हो चुका होगा, और उन्होंने ये विश्वास जताया है कि मैं ही फिर यहाँ इसी स्वरूप में, इसी रूप में, इसी पद पर आसीन होते हुए संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ, क्योंकि भूमि पूजन मैंने किया है। और संकेतों में उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह राम मंदिर की जो भूमि पूजन उन्होंने किया और उसके बाद अब 2024 में वो मंदिर पूर्ण हो रहा है, और उन्होंने ये भी एक रविदास जी से अपने लगाव और जुड़ाव का भी उल्लेख किया कि मैं उस काशी वाराणसी लोकसभा सीट से आता हूँ, उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ जो संत रविदास की या रैदास की जन्मस्थली है और मैं उनकी जन्मस्थली पर भी गया हूँ। आज का प्रधानमंत्री का भाषण पूरा अराजनीतिक भाषण ही था, और अराजनीतिक भाषण जो है उसमें उन्होंने एक दो स्थानों पर जरूर बिना नाम लिए कांग्रेस की तरफ इशारा किया कि पिछली सरकारें जो थीं उन्होंने क्या किया विकास के लिए जी। लेकिन हम इसको लेकर कमिटेड हैं। तो निश्चित तौर पर मंदिर मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा मसला होगा, एक बड़ा मुद्दा होगा, खासतौर से दलित समाज के बीच में, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं समाज का ये जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति वर्ग है, इसके एक बड़े समुदाय को भी बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, और उसकी उम्मीद है कि उनके बीच में जिस तरह से उनके संत रविदास के प्रति उनके मन में श्रद्धा है और वो सब अनुयायी है, तो ये निश्चित तौर पर इसका लाभ, एक श्रद्धा का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। निश्चित तौर पर सर, अपनी बातों और अपने शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े वर्ग को साधने का प्रयास किया है, और साथ ही रविदास जी के दोहे के जरिए उन्होंने अपनी योजनाओं का भी बखान इस मंच से किया है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस भव्य संत रविदास जी मंदिर की आधारशिला रख दी है, और 2.5 साल लक्ष्य रखा गया है इस मंदिर निर्माण के लिए। बिल्कुल।